चलिए बढ़ते आगे। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पर 8 में से एक शख्स मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है और इस दिन दुनिया भर में इसे लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है। आजकल के समय में स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या लोगों के बीच में काफी आम हो गई है और इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे काम का प्रेशर, फाइनेंशियल दिक्कत और रिलेशनशिप में होने वाली तमाम समस्याएं। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण व्यक्ति खुद को उदास, निराश और मूल्यहीन महसूस करने लगता है। डिप्रेशन के कारण किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती बल्कि मेंटल डिसऑर्डर में आपको बता दें कि क्या क्या होगा, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको या आपके किसी भी करीबी को मानसिक रूप से कोई दिक्कत है या फिर नहीं। इन सभी सवालों का जवाब देने आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे जिनका नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ आर्य। तो डॉक्टर सिद्धार्थ आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। डॉक्टर सिद्धार्थ आर्य, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग जो है मेंटल डिसऑर्डर लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप, सबसे पहले वो बताएं और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने मेंशन किया, काफी चेंजेस आ रहे हैं आजकल जी लाइफस्टाइल के अलावा। तो तकनीकी कारणों के चलते जो है थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिलहाल के लिए भी आपको बता दें कि मेंटल डिसऑर्डर जो है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा एक बड़ी बीमारी हो चुकी है और ऐसे में कई लोग जूझते हैं, कुछ लोग बता भी देते हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने करीबियों को, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने मेंटल हेल्थ को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहते, या हम यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो आज भी हेजिटेट होते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ आर्य जुड़े हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने मानसिक रोगों से दूर हो सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से हम अपनी बात जो है अपने करीबियों के सामने रख सकते हैं, अपने माता पिता के सामने रख सकते हैं, और डॉक्टर से भी तमाम चीज़ें जानेंगे कि कैसे हम इन सभी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो आपको बता दें कि आजकल जो है लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भागदौड़ इतनी ज़्यादा होने लगी है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, डिप्रेशन, एन्जाइटी समय जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस होने लगी है। और डॉक्टर सिद्धार्थ आर्य हमारे साथ जुड़े हैं, सर अपनी बात पूरी कीजिए सबसे पहले। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आजकल सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस हैं और ये काफ़ी बात माफ़ कीजिएगा सर, आवाज़ जो है नहीं पहुंच रही तकनीकी कारणों के चलते, लेकिन आज जो है देश भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन को बहुत खास भी माना जाता है। WHO के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाता है इस खास दिन में, कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को सिक्योर रख सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, उसको लेकर पूरी जानकारी जो है हर साल 10 अक्टूबर को दी जाती है। जगह जगह तमाम कार्यक्रमों का आयोजन जो है किया जाता है क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में लोग शायद अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना शायद ही भूल गए हैं और इसीलिए जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर, रैलियां निकाल कर, इस तरीके के इवेंट्स जो है वो किए जाते हैं ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है सही रख सकें। और ऐसे तमाम उपाय हैं जिसके जरिए आप अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई सेशंस जो है अक्सर किए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से और देखा जाता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोग अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं लेकिन समस्या ज़रूर बता देते हैं। खासतौर पर अगर हम लोग बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे अक्सर या तो नहीं बता पाते और अगर अपने माता पिता को बता देते तो शायद उनको कहीं ना कहीं लाइटली जो है वो लिया जाता है, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बड़ी समस्या भी बन सकती है और मानसिक रूप से जो बच्चे हैं जल्दी परेशान होने भी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल यहाँ बनता है कि अपने बच्चों से बात करें और किस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ को सही रखना है, उनकी हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो डॉक्टर आर्य हमारे साथ जुड़ गए, सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि काफी फास्ट पेस्ड सोसाइटी हो गई है जी। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफी डिफरेंट डोमेन्स में आ रहे हैं। मेजर जो चेंजेस हैं ये है कि पहले के मुकाबले अब फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल रहता था वो काफी कम हो गया है जी। उसके अलावा जो हमारा स्लीप रिलेटेड समय से उठ जाते थे उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं।
उसके अलावा जो अभी तनावपूर्ण स्थितियाँ बहुत आ गई हैं कि प्रेशर सिचुएशंस, जैसे वर्क रिलेटेड प्रेशर है, पढ़ाई के रिलेटेड प्रेशर है, या बाकी तरीके के प्रेशर हैं कि लोगों को एक दूसरे से कम्पीट करना है, तो ये सारे प्रेशर्स जो हैं ये भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मानसिक बीमारियों को बढ़ावा देने में। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब जागरूकता भी ज़्यादा आई है, तो लोग जो पहले जिन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था, अब लोग उन चीज़ों को जल्दी पहचान रहे हैं, उन लक्षणों को जल्दी पहचान रहे हैं, जिससे कि वो कई बार हेल्प भी जल्दी सीख कर लेते हैं। जी सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज के लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सेक्शन लोगों का ऐसा है जो आज भी अपने करीबियों को बताने से कहीं ना कहीं हेजिटेट करता है, तो ऐसे में कैसे पहचाने कि उन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स हैं? जी मैम, ये स्टिग्मा जिसको हम कहते हैं काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जिसके कारण ऐसा होता है कि जो बीमारी काफी शुरुआत में पहचानी जा सकती थी उसको कई महीने या कई साल लग जाते हैं पहचानने में, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति या उसके परिवारजन अपने मित्रों को, संबंधियों को या हेल्थ प्रोफेशनल्स को वो शिकायतें नहीं बताते हैं। तो इन चीज़ों के लिए कुछ मोटे मोटे पहले जैसा वे उन चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी आ गई है, नॉर्मल की एक्टिविटीज वो रिड्यूस हो गई है, दूसरों से जो कॉन्टैक्ट वगैरह रख रहे थे, रिलेशनशिप्स रख रहे थे, उन चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में बंद रख के या बिल्कुल अपनी ही दुनिया में सिमट गए हैं, तो ये कुछ लक्षण हो सकते हैं जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि शायद सामने वाले व्यक्ति के साथ कुछ परेशानी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ कांटेक्ट इनिशिएट करना चाहिए कि डिस्कशन करें कि क्या परेशानी हो रही है, और मे बी उसके दूर करने का कोशिश करें। सर, जैसे कि हम देखते हैं टोटल बच्चे जो आजकल अपने मेंटल प्रॉब्लम्स वो उससे नहीं कर सकते जिस तरीके से आजकल बड़े लोग कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास वो जा सकते हैं, अपने करीबियों को बता सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए पेरेंट्स का रोल कितना अहम हो जाता है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ नहीं बता पाते हैं, या फिर पेरेंट्स जो है डिनाई कर देते हैं उस चीज़ को, या बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, तो पेरेंट्स का रोल कितना अहम हो जाता है इस केस में? तो जो बच्चों की पॉपुलेशन है उसमें इनफैक्ट पेरेंट्स आर द प्राइमरी केयर गिवर, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो उन्हीं को स्पॉट करनी पड़ेंगी, उनको देखना पड़ेगा कि बच्चे का व्यवहार बदल रहा है, बच्चे में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, या बच्चे में नींद संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो ये चीज़ें पेरेंट्स को सेंसिटिव होना पड़ेगा इन चीज़ों को जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये सारी दिक्कतें महसूस हो रही हैं कि कोई मानसिक परेशानी पक्का हो गई है, पर इस चीज़ से ये जरूर असम्पशन लगाया जा सकता है कि अगर व्यवहार बदल रहा है, चिड़चिड़ा बना रहा है, गुस्सा बना रहा है, या बातचीत कम हो रही है बच्चों द्वारा, तो हो सकता है किसी ना किसी परेशानी से वो, हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है स्कूल से रिलेटेड हो सकता है दोस्तों से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं उनको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डिस्कस करना पड़ेगा, और उन्हें लगता है कि परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, प्रोफेशनल हेल्प भी सीख करनी चाहिए। जी सर, जाते जाते एक सवाल मेरा आखिरी और से ये है कि ब्रीफ में जरा बताइएगा कि हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे क्योर कर सकते हैं? ओके, तो देखिए, क्योर तो नहीं, पर वो कहते हैं प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी, हम मेडिसिन में हमेशा पढ़ते भी हैं और सब लोगों को यही बताने का कोशिश करते हैं। तो कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स हैं कि जिनसे आप अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है जी, उसको अच्छा कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि मुश्किल कदम है, आप अपनी दिनचर्या मेंटेन करिए, रोजाना कुछ समय अपना फिजिकल एक्सरसाइज में बताइए, उसके अलावा जो आपको दिनचर्या का एक हिस्सा है अपना खाना, अपना नींद काफ़ी समय पर मेंटेन करनी चाहिए, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि रात को लेट तक सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, ये नहीं, यू शुड बी रेगुलर। उसके अलावा जो आप कर सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है फैमिली मेंबर से, दोस्तों से, जो सोशल कनेक्ट है उसको मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज ये सब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। तो सिर्फ इन्हीं सिंपल स्टेप से आप काफ़ी हद तक अपने आप को
इस स्टेज पे ला सकते हैं कि एटलीस्ट प्रिवेंशन का काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ आर्य, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ आर्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने मेंटल प्रॉब्लम्स को जो है दूर रख सकते हैं, लोगों से बात करना, अपने करीबियों से बात करना। और अगर आपको भी कोई समस्या है, खबर फास्ट लगातार आपसे अपील करता है कि आपको भी अगर कोई समस्या है तो जरूर अपने करीबियों के पास जाए, उन्हें बताएं कि क्या आपको दिक्कत है, ताकि जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकल सके। चलिए ले